आज मैं बताने वाला हूँ आपको स्लीव्स का डिज़ाइन कटिंग। तो एक निशान यहाँ लगाएंगे, एक हाफ इंच पे लगाएंगे, एक लंबाई का निशान लगाएंगे यहाँ पे 8 इंच, 5.5 इंच। आर्म होल के शेप के लिए एक निशान यहाँ लगाएंगे, आर्म होल के लिए एक लंबाई का निशान सीधा लगा देंगे। सारे 13 इंची बाइसेप, 7.5 इंच इसको रखना है। 12 इंच मोरी है इसकी, तो 6 इंच यहाँ पे रखना है, 12 इंच लिख देंगे यहाँ पे। एक आर्म होल का शेप यहाँ पे देंगे इस तरीके से। एक साइड का निशान लगा देंगे यहाँ पे, फ्रेंड यहाँ लिख देंगे, एफ लिख देंगे। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। साइड में मार्जिन रखना होगा आपको, लंबाई में मार्जिन नहीं रखना है, निशान पे ही कट करना है। एक खुट का यहाँ लगा देंगे, एक खुट का यहाँ लगा देंगे। अब इस तरीके से खोल देंगे इसको। एक ताल का निशान लगाएंगे यहाँ पे, जो फ्रंट के साइड में रखना है। अब इसको कट कर देंगे। स्लीव्स कट चुकी है, 2.5 इंची का एक निशान लगाएंगे बैक की साइड। कुछ इस तरीके से इसको राउंड कर देंगे। अब इसको भी हम यहाँ काट देंगे। ये हमारा कट चुका है। एक यहाँ सीधा कट करेंगे, एक एक निशान यहाँ लगा देंगे सेंटर में। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाएंगे और इसमें इसको आपस में मिला करके टैप कर देंगे, जो हमारे स्लीव्स का डिज़ाइन है उस हिसाब से इसको टैप कर देंगे यहाँ पे। एक निशान यहाँ से इस तरीके से उठाएंगे और इसको राउंड करते हुए इस तरीके से राउंड करेंगे इसको, जिसका हम फ्लावर बनाएंगे। इस साइड से भी राउंड कर देंगे इसको। अब इसको कट कर देंगे निशान के ऊपर। निशान यहाँ पे सही से लगाना है आपको। अंदर की साइड से भी काट देंगे इसको। ये कट चुका है, जो हमारे स्लीव्स का डिज़ाइन है उस हिसाब से हमने इसको काट लिया है। दूसरा वाला पल्ला यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पे और टैप करेंगे इस पर। टैप हमने कर दिया है।
अब एक फ्लावर बनाएंगे यहाँ पे इसके, जो हमने राउंड करके जो काटा है उसके, इस तरीके से चुन्नट डालेंगे इसमें। इस तरीके से गोल घुमाते जाएंगे इसको, ये हमारा फ्लावर बन चुका है। तो इस तरीके से हम टैप कर देंगे इसको। ये सब सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। एक बीच में आपको क्या करना है, एक मोती या कोई भी स्टोन का इस्तेमाल करना है ताकि आपस में टक जाए। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।